गुड मॉर्निंग एरीवन सो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड फ्रॉम दिस प्रैक्टिस एट थर्टीन आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है एच सी एफ एंड एल सी एम ठीक है ना उसी में से प्रैक्टिस एट थर्टीन है सो लेट सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड फाइंड द एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ द गिवन नंबर्स इससे पहले हमने एच सी एफ कैसे फाइंड आउट करना है एल सी एम कैसे करना है ये डिटेल्स में देखा है इवन हमने लॉट ऑफ क्वेश्चन भी लिए उसके ऊपर देन क्या करना है वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स नंबर्स गिवन है नीचे देखिए फाइव सब क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन में दो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एलसीएम वेरीफाई करना है सो so, कर लेते हैं लेट्स सी फर्स्ट वन इसमें सब क्वेश्चन थर्टी टू कॉमा थर्टी सेवन दो नंबर्स है इनका हमें क्या करना है एच सी एफ़ एंड एल सी एम फाइंड आउट करना है सो यच सी एफ एंड एल सी एम फाइंड आउट करने के लिए हमें फैक्टर्स जरूरी है ओके okay ना सो लेट सी सोल्यूशन कर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं थर्टी टू को हम फैक्टराइज़ कर सकते हैं लेट सी टू इंटू सिक्सटीन और सिक्सटीन को और भी फैक्टराइज कर सकते हैं टू के फॉर्म में सो टोटल फाइव टाइम्स टू मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू वन भी कर लेते चलो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इन टू इन वन थर्टी टू के फैक्टराइज फॉर्म हो चुका है प्राइम फैक्टर्स ओके हाँ आप यहाँ पे वर्टिकल मेथड से भी कर सकते हो ठीक है ना अभी मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले भी हमने फैक्टर्स कैसे बनाते प्राइम फैक्टर्स ये देखा है ठीक है ना? सो so, अब थर्टी सेवन के फैक्टर्स बनाने अब मेरे को बताइए थर्टी सेवन के फैक्टर्स क्या बनते हैं थर्टी सेवन फैक्टर फॉर्म में लिखना है तो ओनली रहेगा थर्टी सेवन इंटू वन क्योंकि ओनली वन एज अ फैक्टर ऑफ थर्टी सेवन ओके okay. अब देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या नजर आ रहे हैं आपको ओनली वन और एच क्या होता है एच एफ मीन्स हाइस्ट कॉमन फैक्टर सो एच एफ ऑफ थर्टी टू एंड थर्टी सेवन क्या मिलेगा वन मिलेगा क्योंकि देखिए दोनों में ओनली वन कॉमन फैक्टर है करेक्ट इन दिस वे आपको एचसेफ़ मिल चुका है वन देन हमें एल सी एम फाइंड आउट करना है और हमें पता है एल सी एम मतलब लेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है मल्टीपल ठीक है मल्टीपल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जितने भी फैक्टर्स हैं ना सबको मल्टीप्लाई में लेना पड़ेगा ठीक है सो मल्टीप्लाई में लेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा सो एलसीएम मींस इस सब का मल्टीप्लीकेशन जितने भी फैक्टर्स हैं ना सब वन भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में आता है लेकिन वन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज नहीं होता सो so, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगा वन वन एट फोर वन थाउजेंड वन हंड्रेड एट्टी फोर इन दिस एल सी एम मिल चुका है और एच सी एफ हमारे पास वन है ऑफ दिस टू नंबर्स देन हमें फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एलसीएम क्योंकि हमें वेरीफाई करना है दोनों प्रोडक्ट इक्वल आते हैं या नहीं देखने के लिए ठीक है सो प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम एच सी एफ ए वन और एल सी एम ए वन वन एट फोर दोनों का मल्टीप्लीकेशन वन वन एट फोर ही मिलेगा देन हमें प्रोडक्ट करना है गिवन नंबर्स गिवन नंबर्स है थर्टी टू एंड थर्टी सेवन करेक्ट ना इन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है सो so, मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम कितना मिला वन वन एट फोर प्रोडक्ट ऑफ गंबर इट मीन वेरीफाई हो चुका है एच सी एफ इन एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करेक्ट ना इसको हाईलाइट कर देते यही वेरीफाई करना था फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट देन सेकंड वन सब क्वेश्चन देखिए फोर्टी सिक्स कॉम फिफ्टी वन दो नंबर्स गिवन है इनको हमें वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ एस सी एफ एंड एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स आता है कि नहीं सो तो इसके लिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे फोर्टी सिक्स के फैक्टर्स फोर्टी सिक्स के आपको फैक्टर्स मिलेंगे टू इंटू ट्वेंटी थ्री इंटू वन भी लेते हैं ठीक है ना करेक्ट क्योंकि आगे वाला नंबर फिफ्टी वन है दोनों में कॉमन फैक्टर होना जरूरी है सो तो फिफ्टी वन के फैक्टर्स मिलेंगे आपको थ्री इंटू सेवेंटीन इंटू वन अब यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर इन बिटवीन दिस टू नंबर्स वन ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर सो यच सेफ क्या मिलेगा आपको एच सफ ऑफ दिस टू नंबर इज वन देखिए ओनली वन कॉमन फैक्टर है इन दिस टू फैक्टर्स फॉर्म ऑफ नंबर्स ओके देन आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है एलसीएम मीन्स क्या होता है सब जितने भी फैक्टर्स हैं ना टू ट्वेंटी थ्री थ्री सेवनटीन इन सबको मल्टीप्लाई में ले लीजिए ठीक है सो टू इन ट्वेंटी थ्री इंटू थ्री इंटू सेवेंटीन, सो इनका मल्टीप्लीकेशन आपको मिलेगा टू थ्री फोर सिक्स टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी सिक्स इन दिस वे आपको एल सी मिल चुका है देन आपको क्या करना है अभी दोनों का प्रोडक्ट करना है एच एफ एंड एल सी एम का मल्टीप्लीकेशन एच एफ इंटू एल सी एम सो यच एफ है वन और एल सी एम है टू थ्री फोर सिक्स मल्टीप्लीकेशन एज एट इज़ रहेगा टू थ्री फोर सिक्स क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं होता ठीक है ना ये मिल चुका है आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम देन हमें प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स करना गिवन नंबर्स है फोर्टी सिक्स एंड फिफ्टी वन सो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते मल्टीप्लीकेशन क्या मिलेगा आप करके देख लो सेम मिलना है टू थ्री फोर सिक्स ओके इन दिस वे प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स मिल चुका है देखिए ना दोनों की राइट साइड सेम है सो so लास्ट में लिखेंगे लाइक like दिस और यही हमारा टारगेट था वेरीफाई करना था ओके इन दिस वे क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट हो चुका है देन क्वेश्चन नंबर थर्ड फिफ्टीन कमा सिक्सटी सो देखिए सोल्यूशन करना है सोल्यूशन में फैक्टर्स बनाने हैं फिफ्टीन के फिफ्टीन के फैक्टर्स क्या मिलेंगे आपको फाइव इंटू थ्री या थ्री इंटू फाइव करेक्ट ना फाइव थ्री फिफ्टीन और सिक्सटी के फैक्टर्स मिलेंगे आपको फाइव इंटू थ्री इंटू टू इंटू टू करेक्ट ना इट से हमें इसको लिखेंगे टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव अब देखिए यहाँ पे यच सी एफ हमें लिखना है अभी तक हमें ओनली वन कॉमन फैक्टर मिल रहा था लेकिन यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर्स मिल रहे टू नॉट टू थ्री एंड फाइव देखिए दोनों तरफ थ्री एंड फाइव कॉमन है करेक्ट ना ये देखिए सो यच सी एफ ऑफ फिफ्टीन एंड सिक्सटी क्या मिलेगा थ्री इंटू फाइव मतलब फिफ्टीन इन दिस वे करेक्ट सो ये एच से मिल चुका है फिफ्टीन देन एल सीएम क्या मिलेगा एलसीएम ऑफ दिस नंबर मतलब एलसीएम करने के लिए क्या करना है अभी देखिए जो कॉमन फैक्टर्स है ना उसको एक ही बार लेना होता है ठीक है देखिए एल सी एम लेने के लिए ये जो कॉमन फैक्टर्स है थ्री इंटू फाइव उसको एक ही बार लेना है डबल डबल नहीं करना दोनों तरफ है तो एक ही बार लेना है और जो बाकी बचे हुए फैक्टर्स है वो मल्टीप्लिकेशन में लेना है मतलब ये टू इंटू टू है ना वो मल्टीप्लीकेशन लेंगे लाइक दिस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे थ्री इंटू फाइव इंटू टू इंटू टू अब देखिए थ्री इंटू फाइव ना दोनों तरफ है तो दो बार नहीं लेना उसको एक ही बार लेना है ठीक है जब कॉमन फैक्टर्स होते हैं जब क्यों इससे पहले वन था तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं था लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है अगर एल के लिए आपने टोटल मल्टीप्लीकेशन ले लिया तो गलत हो सकता है ठीक है ना तो इन दिस भी आपको एलसीएम मिलेगा सिक्सटी देखिए मल्टीप्लिकेशन करके देखिए नहीं तो सिक्सटी के फैक्टर्स भी देखिए सेम ही है ओके इन दिस भी आपको एलसीएम मिला है एच एफ मिला देन प्रोडक्ट करना है एच एफ एंड एल सी एम का प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम एल सी एम है आपके पास सिक्सटी एच सी एफ आपके पास फिफ्टीन सो so दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिफ्टीन सिक्स नाइन्टी और ये ऊपर ऊपरऑल मतलब नाइन हंड्रेड करेक्ट ना और प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स गिवन नंबर्स भी सेम ही है फिफ्टीन एंड सिक्सटी दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा सेम ही मिलेगा नाइन हंड्रेड सो यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है ये सेफ इन टूल सेम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स और यही वेरीफाई करना था कंप्लीट थर्ड वन कंप्लीट और यहाँ पे दो क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर फोर एंड क्वेश्चन नंबर फाइव ये आप दोनों ट्राई कर लीजिए ये आपके लिए आज होमवर्क रहेगा ठीक है रुकते हैं थैंक यू